Adi. हैप्पी मदर डे सबको, मेरी माताओं के चरणों में प्रणाम, मेरी बेटियां बहनें उन सबको भी प्रणाम। हैप्पी मदर डे, हैप्पी मदर डे। आप कभी गहराई में जाएंगे, आप पाएंगे कि मां जैसा कोई नहीं होता। मां कैसी क्रिएटिव है, बच्चा पैदा होता है उसको सब कुछ सिखा देती है। वो बात करना, चलना, खाना, और धीरे धीरे बच्चा सब कुछ सीखने लगता है और उसी मां की परवरिश का नतीजा कि कोई बच्चा बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाता है, पूरे समाज को, पूरे देश को दिशा देता है। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि मंत्र में लय का होना बहुत जरूरी है, तो आज उसी लय से ध्यान की साधना करेंगे। ध्यान दोस्तों क्या है, इस बात को थोड़ा समझ लेना। अगर आप ध्यान में फ्यूचर की प्लानिंग को सोच रहे हो, अगर आप ध्यान में पास्ट की चीजें सोच रहे हो, आपका फ्यूचर, आपका पास्ट कहीं पे बीच पे आ रहा है, तो वो ध्यान नहीं है। आपको कोशिश करनी है कि ठहर जाना। जैसे मैं सदा ही कहता हूं कि ना तो वर्तमान, ना तो प्रेजेंट, ना तो पास्ट आपका है, ना फ्यूचर आपका है। उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। पास्ट को पता चले ऐसा नहीं ऐसा करता, ऐसा नहीं ऐसा करता, नहीं हो सकता। फ्यूचर आपकी कर्म की शक्ति का फल है, भगवान के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। प्रेजेंट आपका है, वर्तमान आपका है। वर्तमान में, प्रेजेंट में ठहर जाना ही ध्यान है। अगर आप अपने मन को समझा लेते हो, मन कुछ नहीं सोच रहा होता, मन अमन हो जाता है, मन खाली हो जाता है, तो फिर दोस्तों ध्यान हो जाता है। आज की ध्यान साधना प्रसूति ध्यान साधना, निश्चल ध्यान साधना करेंगे। ये भगवान कृष्ण ने गीता में हमें सिखाई है, अर्जुन को सिखाई है। आज बहुत से फोन, बहुत सी ईमेल, मैसेज आ रहे हैं, सब लोग बहुत परेशान हैं। कुछ तो डिप्रेशन में चले गए, कुछ डरे हुए हैं, और मृत्यु का भय, फ्यूचर का भय, ऐसा डर कि उसने सबको कमजोर कर दिया। कोई ज्यादा कमजोर हुआ, कोई कम कमजोर हुआ। आप देखें, इसमें हमें बच्चे को ही फॉलो करना है। अगर मां की भक्ति करनी है तो भी बच्चे को फॉलो करके ही, बच्चे से ही सीख सकते हैं कि मां को कैसे मनाना है। ऐसे ही फिर दोस्तों उस भगवती को भी मनाया जा सकता है, शक्ति जननी को भी मनाया जा सकता है। छोटे बच्चे को देखें,
उसको माँ के ऊपर कितना विश्वास होता है। वो कोई गलती करता है, कोई तोड़ फोड़ करता है, कोई टॉय तोड़ता है, कोई काम की चीज तोड़ता है, तो ऐसी एक्टिंग करेगा कि माँ को पता नहीं है, और धीरे धीरे माँ के गले लग जाएगा, माँ को बता देगा कि माँ मैंने ये कर दिया। माँ गुस्से में होती है, बच्चे को माँ को मनाना आता है। माँ परेशान होती है, बच्चे को माँ को खुश करना भी आता है। तो माँ बच्चे का जो नाता है, जो रिश्ता है, ऐसा दूसरा रिश्ता इस विश्व में कोई नहीं है। जैसे आप जानते ही हैं कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है, आज दोस्तों ये बहुत बातें बहुत काम की हैं, इनको नोट करना आप। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, ना तो उसका दिमाग काम करता है, इतनी हलचल नहीं होती, मन ऐसा कहूं तो मन होता ही नहीं है, बहुत क्लीन होता है। तभी उसको फरिश्ता कहा गया ना, तभी उसको भगवान का स्वरूप कहा गया। और हार्ट की स्थिति भी कुछ ऐसी ही होती है, फिर उसका कौन सा केंद्र काम करता है, उसका नाभि चक्रा काम करता है। बच्चे की एवरीथिंग उसकी नाभि से जुड़ी होती है। जब नाभि से जुड़ा होता है तो शांत होता है। जैसे माँ के पेट से बाहर आता है, धीरे 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 मन डेवलप होता है, ब्रेन डेवलप होता है, बॉडी डेवलप होती है, हार्ट डेवलप होता है। नाभि चक्र जब तक बच्चे होते हैं ठीक होता है। नाभि चक्र को मणिपुर चक्र भी कहते हैं, थर्ड चक्र भी कहते हैं। जब आपका मणिपुर चक्र, नाभि चक्र अपसेट होता है, ठीक नहीं होता है, तो ये तो आप जानते हैं, पहले भी बताया आपको कि आपका पेट अपसेट हो जाएगा, आपका लिवर, आपकी किडनी अपसेट होगी। इसके साथ आप बहुत उदास होने लगेंगे, आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे, आप आलसी होने लगेंगे, आपका जीवन से विश्वास कम होने लगेगा, आपका अपने आप से विश्वास कम होने लगेगा, आप अपने परिवार में, फ्रेंड्स में इरिटेट होने लगोगे, एंजॉय नहीं कर पाओगे, आप अपने काम को बोझ समझने लगोगे। नाभि चक्र दोस्तों, मणिपुर चक्र सेंटर पॉइंट है, केंद्र का केंद्र बिंदु है। इसके ऊपर इसको ध्यान से, इसकी हीलिंग से इसको ठीक किया जा सकता है। जैसे जैसे आपका नाभि चक्र ठीक होता है, तैसे तैसे आप प्रोग्रेस करने लगते हैं। जैसे जैसे आपका नाभि चक्र वीक होता है और आज्ञा चक्र वीक होता है, तो आप सिंपथी ढूंढते हो कि मुझे कहीं से सिंपथी मिले। आप उन्हीं लोगों की बातें सुनेंगे, आप सोचोगे मैं 10 दिन से काम पे नहीं गया, क्या करूं, बोले नहीं जाना, क्या करना काम पे, अभी रात ऐसे ही है ना, बहुत अच्छा कर रहे हो, अभी तो ठीक है, अभी घर ही बैठना चाहिए, अभी का माहौल है। आगे पीछे की बात करता हूं, आपका काम कोई 25 दिन से पड़ा है, नहीं कर पाए, घर में बैठ के करने वाला, आप कहोगे नहीं किया, मैं तो कहूंगा अभी से करो, वो बोलेगा 10 मिनट बाद करता हूं, नहीं अभी से करो, मैं भी अभी से करूंगा। और आप सुनना चाहेंगे कि नहीं, जब तेरा मूड अच्छा हो, जब मन अच्छा हो, फिर कर लेना, देख लेना, वो कभी मूड अच्छा नहीं आता लाइफ में। तो हमें, अगर हमारा नाभि चक्र स्ट्रांग है, हमारा आज्ञा चक्र स्ट्रांग है, तो हम सब कुछ कर लेते हैं। तो नाभि चक्र को स्ट्रांग करने के लिए मंत्र हम वही करेंगे, मंत्र का ढंग बदलेंगे, और आपको ऐसे बैठना है घुटनों के बल वज्र आसन में। और ये चीज बता दूं, आपने सूफी लोगों को, मुस्लिम भाई बहन भाइयों को नमाज पढ़ते देखा होगा, जिस आसन में बैठ के जैसे घुटनों के बल बैठ जाते हैं,
ऐसे आपको बैठ जाना है और ऐसे थक जाओ तो फिर दूसरे आसन में आ जाना, फिर उस आसन में चले जाना। तभी हम वाम रूम मंत्र का जाप शुरू करेंगे। इस मंत्र को, जाप को आपने वैसे रोज 10 मिनट करना चाहिए, पर अभी 5 मिनट के लिए करेंगे। धीरे धीरे वाम रूम वाम रूम वाम थोड़ा सा लंबा खींचना है, जैसे वम रोम वम रोम वम रोम वम से करें, कोई प्रेशर नहीं। और धीरे धीरे ऐसे हो जाए जैसे ऑटोमेटिकली जाप हो रहा है। इसमें आज नाभि चक्रा पे रखना है, मणिपुर चक्रा पे रखना है। मणिपुर चक्रा नाभि चक्रा सेम बात है, पर थोड़ा सा ऊपर होता है, तो पर आप पूरा नाभि पे ध्यान करते हैं तो हो जाता है। नाभि पे ध्यान करें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, मन में वम धीरे धीरे फास्ट करेंगे। वम रोम 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 अभी स्लोली स्लोली मन में जाप करेंगे। आपके लिप्स भी ना हिलें, मन में जाप। जाप से हम वर्तमान में आ जाते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि
के आप और मंत्र होते हो, तीसरा कोई नहीं होता। आप और भगवान होते हो, तीसरा कोई नहीं होता। वो वर्तमान से ही पॉसिबल हो सकता है। वैसे भी दोस्तों जिंदगी में याद रखें, प्रेजेंट में रहने की ही कोशिश करें, इससे आप ध्यानी हो जाएंगे। आपका आज्ञा चक्र, आपका नाभि चक्र, आपका हार्ट चक्र, इवन सेवन चक्र ही आपके स्ट्रांग होंगे। वर्तमान में रहने की कला बच्चों से ही सीखें। आप देखें बच्चे जब खेल रहे होते हैं उनको देखना, माँ भी आवाज लगाती है तो नहीं आते हैं, फिर माँ से प्यार कर रहे होते हैं फिर भी उनको वही उनकी बात होती। धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं फिर बात खत्म हो जाती है। आप खाना खा रहे हो तो खाने को एंजॉय करने की कोशिश करना, खाना ही खा रहे हो। आप शावर ले रहे हो, स्नान कर रहे हो, तो फिर पूरे शरीर को ध्यान देना, एंजॉय करना कि मैं स्नान कर रहा हूं। ड्राइव कर रहे हो तो पूरी ड्राइविंग ही करना, ड्राइविंग में तो ध्यान इधर उधर हो जाता है, तो फिर आप जानते हो क्या होता है। आप कभी कभी इतना एब्सेंट माइंडेड होते हो, मैंने पार्किंग में लोगों से एक्सीडेंट होते देखा है, गाड़ी निकालते टाइम खाली गाड़ी, कोई आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं, फिर भी हो जाता है। ड्राइविंग में ध्यान देना, खाने में ध्यान देना, जब बना रहे हो तो पूरा खाना जब आप बनाते हो तो अन्नपूर्णा मां की कृपा होती है। अगर पूरा खाना बनाने में डूब जाते हो तो खाना अमृत हो जाता है। वो खाना परिवार के जो भी मेंबर खाएंगे, जो भी खाएगा उसको बहुत असर करेगा। आपने तो आप देखना, जब आपका खाना कभी मन से ना बनेगा तो पड़ा रहेगा, नहीं खाया जाएगा। जब मन से खाना बनेगा तो उसका एक चम्मच भी बाकी नहीं रहता। मन में वम रूम का जाप करें, डिप्स ना हिले। अगर आप थक गए हो उस आसन में बैठे बैठे वज्रासन में, आप थोड़ा रिलैक्स हो जाएं, सिंपल पद्मासन में बैठ जाएं, अगर आप चेयर पे बैठ के कर रहे हैं, कुर्सी पे बैठ के कर रहे हैं, सोफा के ऊपर बैठ के कर रहे हैं, तो फिर आप इस आसन को नहीं करना। जो कर सकते हैं वही लोग करें। नाभि चक्र पे ध्यान करें, लंबा सांस लें, सांस को जहां नाभि पे रोकने की कोशिश करें और शक्ति क्रिया मुद्रा करें। शक्ति क्रिया मुद्रा आप दोस्तों जानते हो, मध्यम उंगली को आंख के ऊपर रखना, अंगूठे को कान पे रखना, ऐसे। स्लोली इस मुद्रा को कैंसिल करें, हाथ आंखों से हटाएं, आंख खोलें, हाथों को देखें, ऐसे करके टच करें। इससे
आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है, आपका चक्रा स्ट्रांग होते हैं। पांच मिनट के लिए ह स क ल हरी का जाप करेंगे। ह स क ल हरी, ह स क ल हरी, प्यार से ह स क ल हरी, 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 ह स क ल हरी। प्यास से जाप करें। नाभि चक्र पे मणिपुर चक्र में ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। असकल हरि, असकल हरि, थोड़ी देर के लिए मन में जाप करें, आपके लिप्स भी ना हिलें। बस कलहरी मन में करें, मेरी आवाज को सुने। सकल हरि, सकल हरि, सकल हरि, सकल हरि, नाभि चक्र पे फोकस करें। धीरे धीरे आपने ध्यान में उतरते जाना है। अभी फिर कोशिश करें वज्रासन में बैठ जाएं। तो नहीं बैठ सकते प्लीज वो ना बैठे।
अपने सांस को, श्वास को अंदर लें और जहां तक रोकने की कोशिश कर सकते हैं रोकें, फिर छोड़ें। जितनी देर आप रोक सकते हैं इसकी प्रैक्टिस शुरू करें। धीरे धीरे इसको बढ़ाया जा सकता है। पहले 30 सेकंड हो गए, 1 मिनट होगा, 2 मिनट हो गए, 3 मिनट हो गए। और ध्यान को नाभि चक्र पे ही रखना है। जैसे कोशिश नहीं करना ऐसा करने की, ऑटोमेटिकली जब होने लगेगा तब होने देना। आप देखेंगे नाभि चक्र का ध्यान करते करते आपका सिर जो है ऐसे नीचे की ओर जाने लगेगा, जैसे आप बैठे हुए हो तो वो ऐसे घुटनों तक नीचे जाने लगेगा, जैसे बच्चा मां के पेट में होता है, इसी पोर्च में होता है, ऐसे ही होता है वो। जब बच्चा मां के पेट पे होता है दोस्तों, उसकी रक्षा कौन करता है? उसकी रक्षा उसकी मां करती है, भगवान करते हैं, ईश्वर करते हैं। जैसे आप इस स्थिति में चले जाते हो तो आप बिल्कुल निश्चल हो जाते हो, आप प्रेजेंट में जीने लगते हो, आप अमन हो जाते हो, मन रहता नहीं है। जब मन नहीं रहता ना, फिर मन आपका दास हो जाता है। मन माइंड, चाहे वो कॉन्शियस माइंड हो, चाहे वो सबकॉन्शियस माइंड हो, चाहे वो कलेक्टिव माइंड हो, वो आपका नौकर हो जाता है, आपका दास हो जाता है। फिर जो भी हुक्म आप उसको देते हो, जो भी आज्ञा देते हो, उसको फॉलो करता है। और जैसे दोस्तों ऐसा ध्यान दगड़े लगता है तो मन में गलत विचार चले जाते हैं। इसको बाद में प्रैक्टिस करने की कोशिश करना, अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूं। आपकी विल पावर, आपकी शक्ति कितनी बढ़ जाती है, आप और भगवान सीधा रिश्ता, जो आज्ञा देते हो माइंड को वो होने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव हो जाता है कि सब कुछ करने लगता है। इसके और स्टेप्स हैं, धीरे धीरे हम बताएंगे जो ऐसे बता सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से बताने वाले हैं, तो जैसे माता रानी कृपा करेंगी हम इकट्ठे होंगे फिर उसकी चर्चा करेंगे। जैसे आपका सिर ऑटोमेटिकल नीचे की ओर चला गया तो वैसे जाने देना। कभी कभी आपने देखा बच्चों को, बड़ों को भी ऐसे बैठे 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 ऐसे चले जाते हैं, क्योंकि हमें हमारा कनेक्शन माँ के साथ हो जाता है, हमारा कनेक्शन नाभि चक्र के साथ हो जाता है। आज मदर डे है तो हमें माँ से ही शक्ति लेनी है। तो सबसे पहले अपने किए हुए गुनाहों की माफी मांगना, माँ के साथ कभी मिसबिहेव करते हो, माँ कभी बद्दुआ नहीं देती, पर हम ऐसी चीजें करते हैं कभी कभी पूरी जिंदगी पश्चाताप होता है। एक बात दोस्तों, मैं बड़ी कड़वी बात लगेगी कुछ लोगों को, पर स्पष्ट बात, जो व्यक्ति अपनी माँ का नहीं हो सका, जो अपनी आदमी अपनी माँ की बुराई करता है, जो व्यक्ति माँ के बारे में बड़ा भला बुरा कहता है आपको, उस पर विश्वास नहीं करना, वो कभी भी धोखा दे जाएगा, होगा ही धोखेबाज। जो व्यक्ति अपनी माँ का सगा नहीं है वो ना तो अच्छा शिष्य होगा, ना अच्छा वर्कर होगा, ना अच्छा बॉस होगा, ना अच्छा बिजनेसमैन होगा, ना अच्छा इंसान होगा। माँ की पढ़ाई करने वाले लोग कभी भी सफल नहीं हो पाते,
और जिनकी माँ उनके बच्चों पे प्रसन्न नहीं है, उनके कामों में कोई विघ्न आते हैं, रुकावटें आती हैं, तो उसका कोई इलाज नहीं है। माँ को मना लो, माँ को प्यार कर लो, माँ की सेवा कर लो। जैसे आप सांस को रोकते हो तो पेट में नाभि के पास कुछ हलचल होगी, वाइब्रेशन होगी, होने देना उसको, कुछ कोशिश नहीं करना, ध्यान मतलब होने देना, कुछ कोशिश नहीं करना, बस मन को एकाग्र करना, प्रेजेंट में आना। ध्यान करते करते मैं क्या खाना बनाऊंगी आज, कौन सी पिक्चर देखूंगा, कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगी, जब ऐसा सोचते हो तो ध्यान नहीं हो पाता। धीरे धीरे नाभि चक्र से हम आज्ञा चक्र की ओर आए, अपने इष्ट का ध्यान करें, माता जी का करें, शंकर भगवान जी का करें, साईं बाबा जी का करें, कृष्ण जी का करें, जिनको भी आप मानते हो, जिनके ऊपर भी आपको विश्वास है। मैं कोई भी ध्यान करता हूं तो माँ ही आती हैं, इसलिए माता जी का ध्यान निकलता है। इस जगह पे माँ का ध्यान करें, माँ के स्वरूप को, माँ के चरणों को देखने की कोशिश करें। ध्यान लगने में दिक्कत हो तो हस काला हरिम का मन में जाप कर सकते हैं। जाप कभी कभी सहारा देता है ध्यान में जाने के लिए। ऐसा कहूं तो मन सीढ़ी है, मंत्र सीढ़ी है जाने के लिए। अगर वही मंत्र आपको अपने गुरु महाराज जी से मिला है, आपके गुरु से मिला है, तो फिर वो एलिवेटर है, सीढ़ी चढ़ने की जरूरत नहीं है, एलिवेटर की तरह जाता है। मन में मां का ध्यान करें, मां के साथ एक हो जाएं, मां के चरणों को स्पर्श करें, चरणों को धोएं, चरणों को स्नान कराएं। दोनों शब्द गलत है, चरणों को स्नान कराएं। चरणों को स्नान कराते कराते माता जी की पूरी शक्ति को, पूरी प्रतिमा को मन से स्नान कराने की कोशिश करें। पहले जल से स्नान कराया, फिर दूध से कराया, फिर जल से कराया, फिर पंचमृत से कराया, माँ का श्रृंगार करें मन ही मन, अच्छे वस्त्रों से, अच्छे अलंकारों से, अच्छे फूलों से। और जैसे जैसे माँ शक्ति दे वैसे वैसे रियल में भी करने की कोशिश करना। आप मन से कर लोगे तो रियल में करने की शक्ति देगी आपको। माँ को पुष्प सबसे प्यारे होते हैं। आप मन के अंदर भावना करके माँ को फूल चढ़ाने की कोशिश करो, माँ को सुंदर सुंदर फूल चढ़ाओ जो भी सामने आते हैं। माँ ग्रहण कर लेगी, माँ सब कुछ ग्रहण कर लेती है। आप अपनी माँ को दूर बैठे, आप दूर बैठे हो, बच्चों को कहीं कहीं कोई बैठा है, कहीं कोई बैठा है, तो माँ
से बात हो जाती है। आप माँ को कभी फोन करते हो या आपको माँ करती है तो आप सेम पेज पे होते हो। आपकी बात में ऐसा लगता है माँ को कैसे पता चल गया। माँ का श्रृंगार करें अच्छी तरह से। अभी माँ को प्यार करें, उस भगवती को प्यार करें, मन ही मन जिस माँ ने जन्म दिया उसको भी प्यार करें। माँ से अपनी कथा व्यथा कहें, जो कहना चाहते हैं कहें। माँ सुनेगी और माँ पूरा करेगी, ये 1000% विश्वास रखें। माँ सुनती है हमारी बात को, माँ पूरा भी करती है। पर हम माँ से शिकायत ज्यादा करते हैं और शुक्रिया कम करते हैं। फिर वही करें, अपने श्वास को खींचें, अंदर लें और आप अपने आज्ञा चक्र पे आपका जो संकल्प है, आपका जो गोल है उसको विजुलाइज करें। और जितना श्वास अंदर रोक सकते हो उतना रोकने की कोशिश करें। अगर श्वास आप 30 सेकंड से ज्यादा रोक लेते हैं तो ऐसा कहते हैं, मेडिकल लाइन भी कह रही है कि आपको कोरोना नहीं है, आप ठीक ठाक हो। अगर रोकने में दिक्कत होती है तो फिर आप ठीक ठाक नहीं हो, फिर डॉक्टर से चेक करा लेना। आप ज्यादा से ज्यादा रोकने की कोशिश करो, 30 सेकंड से 45 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। पुराने जमाने में ऋषि मुनि जो है 3-3 घंटे तक रोक सकते थे। जिन ऋषि मुनियों की उम्र, संतों की, महात्माओं की उम्र 300-300 साल आपने सुना है, वो सच बात है। वो कई कई घंटों तक, कई कई दिनों तक श्वास अंदर खींच के ऐसे रोक लेते थे। तो जय प्रसूति ध्यान दोस्तों, आपको शांति देने वाला। और जो चीजें मैंने आपको कही कि मणिपुर चक्रा एक्टिव ना होने से, पावरफुल ना होने से जो कमियां आती हैं उन सब कमियों को दूर कर देता है। कुछ दिन तक इस ध्यान को करें, अपना गोल, अपना संकल्प विजुलाइज करें, पिक्चराइज करें। जहां फिर प्रेजेंट की बात आती है, ऐसा फील करें कि आपका संकल्प, आपका गोल पूरा हो गया। आपकी माँ ने कुछ कहा था, उसका ड्रीम था, माँ का ड्रीम था अपने बच्चे से, पिता का ड्रीम था अपने बच्चे से, वो ड्रीम को पूरा करने की कोशिश करें, विजुलाइज करें। आपका ड्रीम है उसको माँ के आशीर्वाद से विजुलाइज, पिक्चराइज करने की कोशिश करें। ऐसा अनुभव करें आपका संकल्प, आपका गोल पूरा हो गया। गुरु महाराज जी का, माता जी का, अपने माता पिता का थैंक्स करें, शुक्रिया करें। शुक्रिया दोस्तों दिन में 2-4-5-10 बार करें, इससे भी हमारी बहुत एनर्जी बढ़ती है, पॉजिटिव शक्ति बढ़ती है।
आपका संकल्प पूरा हो गया, आपका गोल पूरा हो गया, आपका संकल्प उस ब्रह्मांड के पास चला गया, परमात्मा के पास चला गया, धीरे धीरे वापस आए, शुक्रिया करें सभी का, थैंक्स करें और मयूर पंख मुद्रा करें। इस मुद्रा को भी 3 मिनट तक करना चाहिए, कुछ लोग ज्यादा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। हाथों को ऐसे रखना है कि जैसे कोई प्रेशर ना आंख पर पड़े, जैसे मोर का पंख आंख पे रखेंगे आंख पे प्रेशर नहीं होगा, ऐसे ही ऐसे रखना है। धीरे धीरे हाथ उठाएं, आंख खोलें, हाथों को देखें, स्पर्श करें आज्ञा चक्रा पे, फेस पे, हार्ट चक्रा पे, कंठ चक्रा पे, नाभि चक्रा पे। अभी अंजलि मुद्रा करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या त्रिणम तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। मां कृपा करे, बहुत बहुत आपको गुरुदेव शक्ति दे, आगे बढ़े, बहुत बहुत तरक्की करें। ये ध्यान दोस्तों बहुत ही लाभकारी है, इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आगे के स्टेप्स में आपको बहुत आनंद आएगा। इससे नाभि चक्र के साथ आपका आज्ञा चक्र भी स्ट्रांग होता है। ओम ओम ऐसे माला फील करें कि आपके माथे को अज्ञा चक्र को टच कर रहा हूं। नमस्कार।